देखी नहीं है, बस मधुमा ने कुछ पिक्चर भेजी थी, उसी के आधार पर मैं अपनी चीजें रखूंगी। और सबसे पहले जो पुस्तक का नाम है और जिनसे मैं आगाह प्यार करती हूँ, अगर उनके बारे में बोलने के लिए अगर मंच पर खड़ा कर दिया जाए तो बहुत सारी ऐसी मीठी मीठी बातें निकलेगी, शायद मैं कुछ यहाँ पर अपनी बात रख सकूँ। आदरणीय मधुमा जी के लिए मैं कुछ अल्फाज आप सबको समर्पित करना चाहूँगी। सुबह लिखते हैं शाम लिखते हैं, सुबह लिखते हैं शाम लिखते हैं, मंजिल लिखते हैं मुकाम लिखते हैं, वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब मधुमा का नाम लिखते हैं। और जब इन्हीं हाथों में कलम को पकड़ा होगा, वो कलम भी कितनी खुश हो गई होगी जब आपने उन तमाम पहलुओं को छुआ होगा, पूरे साफ गोई से आपने रखा होगा। मुझे लगता है जब मैं किताब पढ़ूंगी और आज मैं जो बात कहने जा रही हूँ वो शायद वहाँ पर सच साबित होगी। और इसी के साथ मैं कुछ चीज़ें लिख के लाई हूँ। पूरी किताब का अर्थ जो शुभकामनाएं थी, कुछ भूमिकाएं मुझे मुझ तक पहुँचाई गई थी, मैं पुस्तक समीक्षा तो नहीं कहेंगे, उसके बारे में हम कुछ विचार रखेंगे। और जैसा टाइटल है, मुझे लगता है एक लाइन में मैं एक शब्द बोलना चाहूँगी पूरी चीज़ें। अनुभव जब करुणा में ढलता है, अनुभव जब करुणा में ढलता है तब कविता रची जाती है। शायद यही वजह है आज ये हमारे हाथ में, जियो तो ऐसे जियो। पूरा जो एक पुस्तक का शीर्षक है, मुझे लगता है आज के युग में जब जिंदगी बहुत जीनी मुश्किल हो गई है, उस समय अगर ऐसे टाइटल पर कोई पुस्तक आती है तो एक आशावादी दृष्टिकोण आता है, जो कि मैं चाहती हूँ ये टाइटल जब उन्होंने दिया होगा एक हेल्दी वातावरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है, एक सकारात्मक चीजें आती हैं, जियो तो ऐसे, यानी कि जिंदा दिली ही जिंदगी का नाम है। शायद मुझे लगता है हर पहलू को उन्होंने यहाँ रखा होगा और इसीलिए उस पुस्तक का नाम ये है। और इस टाइटल के लिए मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार पूरे सदन में तालियां हो जाएं, क्योंकि हमें हेडिंग इतनी अच्छी लगी, टाइटल इतना अच्छा लगा है और इस पुस्तक में जो भी लिखा होगा वो पूरा सार गर्वित होगा। जब कोई साहित्यकार अपनी कलम से समाज जीवन की स्थितियां और परिस्थितियों को पूरी ईमानदारी पारदर्शी नजर से रखता है तो यकीनन ऐसी पुस्तकें समाज का आईना होती है। उसी में से एक ये पुस्तक है। प्रकृति समाज एवं आस्था विश्वास सब जीवन में ही शामिल है। बाहर की घटनाएं जब भीतर आती हैं, मनोभावों को झांकती हैं, झकझोरती हैं, तब कविता फूटती है। यानी अनुभव जब करुणा में ढलता है तब कविता रची जाती है। एक नागरिक के रूप में एक तरफा विचारधारा हो सकती है, जब एक सामान्य नागरिक होते हैं उसमें आपकी विचारधारा किसी भी तरफ हो सकती है, लेकिन जब साहित्यकार कवि लेखक के रूप में एक तरफा विचारधारा कभी नहीं हो सकती है। विचारधारा